नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन रेगर। स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। आज हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है? वैसे तो आप सभी कंप्यूटर के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि वर्तमान में जितने भी कार्य होते हैं वो लगभग जो हैं कंप्यूटर के आधारित होते हैं। कोई भी कार्य हो गया, अगर आपके पास में आप छोटा सा छोटा कार्य करने चाहोगे तो वो एक तरह से कंप्यूटर के आधार पर ही है। तो वर्तमान में कोई भी जो है वो कंप्यूटर से अनछुआ नहीं है। तो कंप्यूटर का परिचय क्या है और कंप्यूटर की क्या परिभाषा है, इसी के ऊपर जो है हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और आगे जो है इसको हम धीरे धीरे जो है नेक्स्ट वीडियो लेते आते रहेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। हमारी सभ्यता में समय समय पर अनेक आविष्कार हुए जिनके कारण समाज में विभिन्न परिवर्तन आए। 18वीं शताब्दी में आई औद्योगिक क्रांति ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 19वीं शताब्दी में एक नई क्रांति आई जिसका नाम था सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति। इस क्रांति ने मानव समाज का काम करने, सोचने एवं रहने का तरीका ही बदल कर रख दिया। इस क्रांति का आधार है कंप्यूटर। ये जो क्रांति है, इस क्रांति के अंदर मतलब क्या हुआ कि एक तरह से लोगों के रहने का, सोचने का, समझने का पूरा जो है एक तरह से सिस्टम पूरा बदल गया था। और ये एक तरह से बहुत ही बड़ा बदलाव जो है कंप्यूटर जो है हमारे जीवन के अंदर लेकर आया। कंप्यूटर अंग्रेजी कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। इस प्रकार कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ हुआ गणना करने वाला। हिंदी भाषा में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर की जो परिभाषा जो है वो आप समझ लीजिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक भागों से मिलकर बनी मशीन अथवा युक्ति है जो प्रयोगकर्ता, जो भी यूज़र हो गया, से डाटा ग्रहण करके प्रयोगकर्ता की इच्छा अनुसार उस पर विभिन्न क्रियाएँ करती है एवं इससे प्राप्त परिणामों को व्यवस्थित रूप में प्रयोगकर्ता को देती है। देख लीजिए, यहाँ पर तीन चीज़ें आपके सामने हैं। पहला है, एक तो इनपुट, जो भी इनपुट डिवाइस है उनके माध्यम से इनपुट डेटा। दूसरा है कंप्यूटर के अंदर आंतरिक प्रोसेसिंग। और तीसरा है आउटपुट। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहला, जो भी यूज़र होगा वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा क्या करेगा, इनपुट करेगा। देन कंप्यूटर की कुछ आंतरिक प्रोसेसिंग होगी, उसी आंतरिक प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी डेटा यूज़र चाहता है, जो भी यूज़र जो है अपने इच्छा अनुसार डेटा चाहता है, वो कंप्यूटर जो है उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदान कराएगा। तो यही एक तरह से इसकी परिभाषा है। यहाँ पर आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर के कुछ अंग है तो हम आज इस परिचय पढ़ रहे हैं। तो परिचय के अंदर इसके पाँच अंगों को हम समझेंगे। पहला है कंप्यूटर डेटा, दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर, तीसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा है कंप्यूटर के व्यक्ति, पांचवा है गाइडलाइंस एंड विधियां। तो इन्हीं पांच अंगों के माध्यम से जो है कंप्यूटर कार्य करता है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर डेटा क्या होता है। तो कंप्यूटर डेटा जो एक तरह से जो भी कंप्यूटर के अंदर कार्य करने के लिए हम डेटा प्रविष्ट करते हैं, जो भी हमारी सूचना हो गई उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर डेटा कहते हैं। कंप्यूटर को दी जाने वाली कोई भी सूचना या जानकारी को कंप्यूटर डाटा कहा जाता है। यह सूचना सही या गलत, पूर्ण या अपूर्ण, व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो सकती है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले आंकड़ों या तथ्य भी डेटा ही होते हैं। डेटा विभिन्न रूप में हो सकते हैं, जैसे कि शाब्दिक डेटा, जो भी शब्द के, जैसे दस्तावेज हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गई, ये एक तरह से क्या है, शाब्दिक डेटा कहलाते हैं। दूसरा है सांख्यिक डेटा, जिसे हम न्यूमेरिकल कह सकते हैं, जो नंबर के आधार पर होते हैं, 8948384497 करके। नेक्स्ट है चित्र, जो भी इमेजेस हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, नक्शे हो गए, ग्राफिक्स हो गए, वो सारे जो है एक तरह से क्या कहलाते हैं, चित्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि या आवाज़, साउंड और वॉइस, मतलब जो भी आपके म्यूजिक हो गए, गीत हो गए, आवाज़ हो गए, फिर वीडियो हो गए, ये एक तरह से क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के डेटा कहलाते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपके डेटा हो सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया गया डेटा इनपुट डेटा कहलाता है। इसके साथ ही प्रयोगकर्ता को परिणाम स्वरूप दिया जाने वाला उपयोगी आउटपुट डेटा इन्फॉर्मेशन भी कहलाता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या काम करेगा।
देखिए यहाँ पर 8 और 8 × 5 एक तरह से क्या हो गया, इनपुट डेटा हो गया। हम जो है कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर ओपन करने के बाद में इसमें 8 × 5 जो है इनपुट करते हैं, और ये क्या करता है कि एंटर दबाने के बाद में आंतरिक प्रोसेसिंग होती है, 8 × 5 कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये जो 40 है हमें वापस आउटपुट जो है डेटा के माध्यम से हमें चेक क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा कि आपका जो रिजल्ट है, जो भी आप चाहते हो, यूज़र जो चाहता है, वो डेटा क्या हो गया, 40 हो गया। तो 8 × 5 = 40 एक तरह से ये इसका कार्य करने का तरीका है। कंप्यूटर द्वारा इनपुट या उसमें संग्रहित डेटा पर जो ऑपरेशन किए जाते हैं उन्हें डेटा की प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर जो है अलग अलग पार्टीशन से जो है हार्ड पार्टीशन से मिलकर बना है। कंप्यूटर सिस्टम के सभी विभिन्न मशीनरी भाग उसके हार्डवेयर कहलाते हैं। इन विभिन्न भागों में कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है, जैसे कि कीबोर्ड, प्रोसेसर, प्लग, केबल, चिप, मॉनिटर, माउस तथा सीडी, रैम, रोम आदि जो भी पार्ट्स हो गए इसके, एक तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। इनको हम हार्डवेयर को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है एक तरह से ये, तो इसको हम एक तरह से अभी बेसिक जो है हम नॉलेज इसका ले रहे हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो है जितने भी हम कार्य करते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आधारित होते हैं। हर एक कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का संचालन एवं नियंत्रण सॉफ्टवेयर द्वारा ही किया जाता है। निर्देश का समूह प्रोग्राम कहलाता है, एवं कंप्यूटर प्रोग्रामों के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर निर्देश द्वारा कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि उसे कौन सा कार्य करना है। निर्देश के बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। यह कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा कार्य कैसे करना है। जैसे कि 5 एवं 8 का गुणा करो तो ये क्या हो गया, 5 × 8 एक तरह से क्या है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा, कैलकुलेटर जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह से इसके अंदर काम किया है। तो हर एक जो कार्य है कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हम जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी को अलग से एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें इसमें पूरा जो है इसको हम बताएंगे, इसको कैसे क्या होता है ये और किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के व्यक्ति। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के व्यक्ति जो भी कंप्यूटर को के अंदर जो कार्य करते हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है नॉर्मल, जो भी यूज़र होता है, जो भी कंप्यूटर के ऊपर बैठकर कार्य करता है वो, और दूसरा हो गया कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको बनाने वाला। तो पहला हो गया उपयोगकर्ता और दूसरा हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो यहाँ पर पहला है प्रयोगकर्ता, यूज़र। यह व्यक्ति कंप्यूटर से कार्य कराता है, यह डेटा इनपुट कराता है, किसी विशेष ऑपरेशन के लिए निवेदन रिक्वेस्ट करता है एवं आउटपुट डेटा प्राप्त करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर को प्रयोग करने वाला कंप्यूटरकर्ता या कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर में बैठकर कार्य करता है वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उनको प्रोग्राम करने वाला, कंप्यूटर निर्देश को लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके द्वारा ही प्रयोगकर्ता के लिए प्रोग्रामों को लिखा जाता है, और यही जो है प्रोग्रामर जो है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को बिल्ड करता है, बनाता है। नेक्स्ट है पांचवा, गाइडलाइंस एवं विधियाँ। देखिए कंप्यूटर के व्यक्ति हैं, प्रयोगकर्ता हैं, जो भी प्रोग्रामर्स हो गए हैं, जो भी यूज़र करता हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, ये जो हैं इनको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में कैसे कार्य किया जाता है, वो कार्य कैसे होते हैं, ये सारा नॉलेज जो है उनको होना चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास लिखित या अन्य रूप में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी आवश्यक, जैसे जिस कार्य को किया जा रहा है एवं कैसे पूर्ण होगा, कंप्यूटर के विभिन्न युक्तियाँ क्या क्या एवं कैसे कार्य करती है, इसके अतिरिक्त प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे सॉफ्टवेयर की जानकारी एवं संबंधित गाइडलाइन का होना भी आवश्यक है। इस तरह से जो है क्या नाम है, ये एक तरह से कंप्यूटर की गाइडलाइन एवं विधियों के बारे में होता है कि कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ में लिया जाता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। तो यही कुछ था कंप्यूटर का परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और ये जो नोट्स है सारे वेबसाइट पर जो हैं डाले हुए हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, kkreducation.com करके मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर जो है ये सारे जो है नोट्स जो हैं आप पढ़ सकते हैं इजीली। हम जो हैं आगे इसी तरह से जो है वीडियो लेते आते रहेंगे। आपको काम ये करना है कि वीडियो आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो
तो मुझे बताएं कि मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड करूँ जल्द से जल्द। थैंक यू दोस्तों।